नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पर, जहां हर खबर है फटाफट और मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहां आपको मिलेगी ताजा खबरें और धमाकेदार इंटरव्यूज और ढेर सारा मनोरंजन। तो देर किस बात की है, न्यूज 21 के साथ जुड़े और बने रहें सबसे आगे। राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा राजसमंद के दौरे पर रहे। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के राजसमंद पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री और प्रभारी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा शनिवार रात्रि राजसमंद पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद रविवार सुबह 11 बजे प्रभु श्रीनाथ जी के राजभोग झांकी के दर्शन किए। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन के दौरान उनके साथ राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर मौजूद थे। श्रीनाथ मंदिर परंपरा अनुसार श्री कृष्णा भंडार में उपरना उड़ाकर उनका समाधान किया गया। दर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री परिवहन कार्यालय पहुंचे, जहां वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के बाद उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री के सामने अपने विभाग का प्रेजेंटेशन दिया। उप मुख्यमंत्री और प्रभारी ने जनसंपर्क कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी का जो विकसित भारत का 2047 का जो विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी सर्वजन हिताय की संकल्पना को साकार करते हुए राज्य सरकार ने बजट 2024 और 25 में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं को और नीतियों का समावेश किया गया। राज्य सरकार ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रावधान किए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास के लिए व्यापक योजनाएं बनाई गई है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, विकलांग और कल्याण को यह बजट मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए ये रोजगार सृजन और कौशल विकास की दिशा में ये बजट मील का पत्थर बनेगा। मेरा भी सौभाग्य है और ये गौरव का क्षण है कि मुझे मेवाड़ की इस त्याग बलिदान शौर्य की धरती राजसमंद का प्रभारी मंत्री होने का सौभाग्य मिला है।